हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा नगर पालिका के महिपाल खेल मैदान पर आयोजित होने वाली मुस्लिम समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के रोचक फाइनल मुकाबले में बांसवाड़ा की टीम ने खिताब जीत लिया। सागवाड़ा व बांसवाड़ा की टीम फाइनल तक पहुंच पाई, जिसके तहत रविवार को फाइनल मुकाबला खेला गया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान रणजी टीम के कप्तान एवं IPL खिलाड़ी अशोक मीनारिया रहे। फाइनल मैच में सागवाड़ा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 20 से 20 ओवरों के निर्धारित इस मैच में सागवाड़ा ने बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए, जिसमें परवेज अहमद ने सर्वाधिक 50 रन, फराज ने 32 एवं बिलाल ने 25 रनों का योगदान दिया। बांसवाड़ा की ओर से आवेश ने 2 तथा प्रिंस एवं अब्दुल जावेद ने 1-1 सफलता हासिल की। 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांसवाड़ा की टीम ने शानदार शुरुआत की एवं 15.2 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर खिताब पर कब्जा जमाया। बांसवाड़ा की ओर से असलुद खान एवं सोहेल खान ने शानदार अर्धशतक बनाते हुए क्रमशः 60 एवं 52 रनों का योगदान दिया। सागवाड़ा की ओर से बिलाल ने 2 एवं हेडी शेख ने सफलता हासिल की। प्रतियोगिता के मैन ऑफ द सीरीज सागवाड़ा के एडी शेख रहे, जिन्होंने एक शतक एवं एक अर्धशतक के साथ प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाए। सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान पर आयोजित इस टूर्नामेंट का शुभारंभ 22 जनवरी को हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार थे, जबकि आज इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि राजस्थान रणजी टीम के कप्तान अशोक मीनारिया रहे। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, उपाध्यक्ष राजू मामा, पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, मुस्लिम महासभा जिला अध्यक्ष इकबाल गौरी, कांग्रेस उपाध्यक्ष ललित पंचाल, बोहरा समाज अध्यक्ष जैनुला बेदीन मांडव, गलियाकोट सदर रईस खान, सचिव दिलदार खान, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष शेख राजू भाई बर्तनवाला, सुन्नी जमात सेक्रेटरी बाल लखारा, लखारा समाज से अय्यूब लखारा, पठान समाज से जहांगीर खान पठान, सलीम खान, शम्मी भाई मकरानी सहित खेल प्रेमी एवं शहरवासी उपस्थित रहे। ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसके हमारे मुख्य अतिथि है अशोक जी। अशोक जी, पहले तो एकता समाचार सर आपका स्वागत है। सर बताइए, आज सागवाड़ा में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लोगों को प्यार देख के, यहाँ के क्रिकेटरों को देख के, और यहाँ का जो सम्मान हुआ है मेरा, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सर पहले आने का मौका मिला था सागवाड़ा? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया, नाम सुना था सिर्फ जगह का, लेकिन आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे। आज जो मुस्लिम क्रिकेट प्रतियोगिता का एक समापन समारोह हुआ और उस कार्यक्रम में बांसवाड़ा और सागवाड़ा की टीम खेली और बांसवाड़ा आज जीत रही, तो इसके बारे में क्या सर? बांसवाड़ा को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, और दूसरी जितने भी टीमें जो पार्टिसिपेट करी उनको भी बहुत बधाई। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है, बट अगर ऐसे ही क्रिकेट चलती रहे तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती है, चाहे खेल की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, या मिलनसार की बात हो, बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो खेल तो होते रहने चाहिए, मेरे को लगता है इस तरह से। ये थे हमारे बीच अशोक जी, और आगे कड़ी में हमारे पूर्व दरगाह कमेटी के अध्यक्ष और राज्य मंत्री असराज अहमद साहब है। सर बताइए, आज हमारे मुस्लिम कमेटी का जो कार्यक्रम चला उसके बारे में बताइए, आप पूरे दिन साथ में रहे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, और बांसवाड़ा और सागवाड़ा की टीमों के बीच टूर्नामेंट का फाइनल हुआ, और हालांकि बांसवाड़ा की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए और 2-3 बल्लेबाजों, ये होता है कि जब भी अगर कोई भी टीम हावी हो जाती है और अगर बल्लेबाज शुरू में हावी हो गए तो फिर नेचुरली फील्डिंग भी बिखरती है और बॉलर भी अपने आप में थोड़ा सा महसूस करते हैं उनके ऊपर जब अटैक होता है बैट्समैन का। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेले और दोनों स्टाइल में खेले, वो कहीं तो वो कॉपी बुक क्रिकेट भी खेल रहे थे और जब मारने की ज़रूरत हुई तो उन्होंने दोनों तरीके की क्रिकेट खेली, बहुत अच्छा लगा। और उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हमारे बीच हमारे राजस्थान रणजी टीम के कप्तान भी और IPL के खिलाड़ी और हमारे उदयपुर के, मैं उदयपुर और डूंगरपुर, वागड़ और मेवाड़ तो एक ही है, तो हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। मुस्लिम क्रिकेट प्रतियोगिता का कार्यक्रम में हमारे बांसवाड़े की टीम जो जीती है, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। इनके कप्तान हमारे बीच है जो सागवाड़ा से जीत कर बांसवाड़ा जा रहे हैं। कप्तान, पहले तो सर एकता समाचार इस्तकबाल है आपका, आपको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं एकता समाचार के माध्यम से। बताइए कि आपको पता था कि हम ये टीम जीतेंगे?
देखो मैच बहुत अच्छा हुआ आज का, और जैसे पहले से होप नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, लेकिन हाँ हमने जो प्लानिंग करी थी, जो स्ट्रेटेजी थी, और जो मेरी टीम जो मेहनत करती है, तो मेहनत के साथ जो मेहनत का फल हमेशा अल्लाह ऊपर देता है, तो मेहनत के कारण ही हम ये मैच जीते हैं। बाकी बहुत अच्छा गेम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा खेल खेला, खेल की भावना से खेला। युवा हमारे प्रिंस हमारे बीच है, भाई साहब बताइए कैसा लग रहा है? यहाँ से आप कप लेके जा रहे हो, ट्रॉफी लेके जा रहे हो, तो बताइए कैसा लग रहा है? हमारे बीच गौरी साहब भी है। गौरी साहब, आज बांसवाड़े की टीम जीत रही तो कैसा लग रहा है? बांसवाड़े की टीम खेली ऐसा, बहुत ही याराना बैटिंग करी, खास करके बांसवाड़ा टीम के कैप्टन असलू खान ने याराना बैटिंग, और बड़ा मज़ा आया, क्राउड को भी मज़ा आया, और मैच देखने का भी मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैं समझ रहा था कि 170 रन बना लेंगे तो मैच फाइट होगा, लेकिन उन्होंने तो एक ही तरफा मैच कर दिया, और असलू की जो वसीम की जो बैटिंग, वास्तव में मज़ा आ गया। ओरिजिनल क्रिकेटिंग शॉट और बेहतरीन याराना शॉट मार के, और आज सागवाड़ों का एक तरफा हराया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम महासभा की जानिब से भी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच सागवाड़ा के खिलाड़ी है जो हमें बताएंगे एक समाचार के माध्यम से जो इन्होंने कप जीता है, ट्रॉफी जीती है, तो उप विजेता हमारे बीच है। भैया बताइए कैसा लग रहा है आप ये जीत रहे हो? सर पहले तो हार के खुशी तो नहीं होगी, दुख तो काफ़ी है, जो जिस हिसाब से हमारी मिस फील्ड हुई है, जिस वजह से हमारे कैच वैच छूटे हैं, खुशी तो इतनी नहीं है जितना दुख है हमें अभी। हमारे बीच वसीम भी है। वसीम बताइए, आपने बहुत ही अच्छा खेल के भावना से खेला, दोनों टीमें अच्छी खेली, खास करके आज हम हमारी मिस फील्डिंग वजह से हारे, वरना आज भी हम जीत जाते, पर हमारी मिस फील्डिंग में थोड़ा हो रहा, अगली बार इंशाल्लाह और पूरी अच्छी कोशिश करेंगे कि सागवाड़ा को फाइनल जिताएं और अपने समाज और अपने कौम का नाम रोशन करें। शोएब भी हमारे पीछे, बताइए शोएब, आपने भी बहुत अच्छा खेला। इंशाल्लाह हमारी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार, अगली बार हम बहुत कोशिश करेंगे, अगले साल हम विजेता कप लाएंगे, इस साल रनर अप लाए। ये हमारे उप विजेता थे जिन्होंने सागवाड़ा का भी नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम, मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया। इसके लिए एकता समाचार के माध्यम से इन सबका स्वागत करते हैं।